ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा व महासचिव डॉक्टर विजय राय ने बताया कि बीएमओ घुमारवी का निलंबन न सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है बल्कि इससे सरकार की तानाशाही का भी पता चलता है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा व महासचिव डॉक्टर विजय राय ने बताया कि बीएमओ घुमारवी का निलंबन न सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है बल्कि इससे सरकार की तानाशाही का भी पता चलता है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर निलंबन के आदेश शिकायतकर्ताओं के पास आना तथा अधिकृत कार्यालय पहुंचने से पहले ही आदेशों का वायल होना दर्शाता है कि सचिवालय में सीएम से ज़्यादा अन्य लोगों की पकड़ है, क्योंकि सरकारी कार्यों में क्रमित होने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि अधिकारी का काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम लेना होता है, यदि वास्तव में उक्त कर्मचारी मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा था तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाता या फिर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाता, लेकिन गत 13 जून को शिकायत का होना और चंद घंटों में लोगों के व्हाट्सएप पर बीएमओ घुमारवी का निलंबन होना सरकारी तंत्र पर व्यक्तिगत रसूख के हावी होने को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बारे में निष्पक्षता से जांच करवानी चाहिए ताकि सरकार की छवि को खतरा करने वालों को बेनकाब किया जा सके। वहीं पश्चिमी बंगाल में दो जूनियर चिकित्सकों पर कातिलाना हमले के मामले पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। चिकित्सकों की सुरक्षा की गारंटी प्राथमिकता के तौर पर होनी चाहिए। अपनी प्रेस ऑफिस बीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है हमारे बीएमओ घुमारवी डॉक्टर एके सिंह की सस्पेंशन के बारे में। 14 तारीख को उनके सस्पेंशन ऑर्डर्स आए हैं और उसमें मुद्दा ये था कि उनके अगेंस्ट कोई ब्लॉक लेवल अकाउंटेंट है एनएचएम का, उन्होंने एक शिकायत की थी और शिकायत में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि उनसे मानसिक प्रताड़ना की जा रही है उनसे, तो उसकी अब तक कोई इंक्वायरी नहीं और गवर्नमेंट ने सीधा उनकी सस्पेंशन ऑर्डर्स भेज दिए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि उस केस को देखा जाए और उसमें इंक्वायरी की जाए और सस्पेंशन ऑर्डर्स को फिर से रिवोक किया जाए, क्योंकि बीएमओ लेवल बीएमओ को एनएचएम के अकाउंटेंट से काम तो लेना ही पड़ेगा, तो अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो वो शायद पहले कोई अगर ऐसा कुछ इन रिटर्न देते तो उस पर कार्रवाई की जा सकती थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट से फिर से एक बार दरख्वास्त करेंगे कि उस पर एक्शन लेने से पहले उन पर कोई इंक्वायरी अगर हो तो उस पर वो कार्रवाई करने के बाद ही एक्शन लिया जाए।